Hello guys, welcome back to my channel. And today we will solve exercise 1 of the kinematics module. और इसमें हमने कुछ questions लिए हैं जो normally बच्चों के doubts होते हैं, हम उनको discuss करेंगे आज. और इसके अलावा अगर इस exercise में कोई और doubt होता है आपका, तो करीब ये question number 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17 है. और इसके अलावा अगर कोई और doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में डाल सकते हो, मैं वहाँ पे आपको उसका reply कर दूँगा. So let's start solving it from the first question, that is, a stone is thrown upward with speed v from a tower. It reaches the ground with speed 3v. What is the height of the tower? मतलब यहाँ पे एक height है, एक tower है. इस tower पे से एक ball को फेंका ऊपर की तरफ और इसकी speed यहाँ पे थी v. ये ball ऊपर जाएगी, ऊपर जाके सिर्फ ऊपर ही जाएगी, फिर नीचे भी गिरेगी. नीचे कब गिरेगी? जब इस point पे इसकी velocity हो जाएगी शून्य, जीरो. इस पॉइंट पे इसकी लॉस होगी सन्नाटा. तो हमको निकालना है इस टावर की हाइट कितनी होगी. ठीक बात. और इसने बोला कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 3v. ठीक है, तो देखते हैं. हम लगाते हैं इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, मतलब पॉइंट ए के और पॉइंट बी के बीच में जहाँ पे इसने स्ट्राइक किया. तो इसके पास जो इनिशियल स्पीड है वो है वी. जो फाइनल स्पीड है वो है 3v नेगेटिव में फाइनल, क्योंकि इसके पास जो वेलोसिटी है ऊपर अगर मानो पॉजिटिव तो नीचे क्या होता है? नेगेटिव, बाय साइन कन्वेंशन. तो ये स्पीड नेगेटिव ली मैंने क्योंकि नीचे की तरफ है. सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पॉइंट से ऊपर है या नीचे है, नेट कितना है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो कितना है वो है एच. एच नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ है. इसलिए अब इक्वेशन लगा लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. और a कितना होता है? वी नो दैट a इज माइनस g, क्योंकि हमेशा वो नीचे की तरफ लगता है g. दिस इज कॉल्ड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर इन सबको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 9v² इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस जी इंटू एच. तो इससे आएगा एच भी माइनस में यहाँ पे, तो 2gh इज इक्वल टू 8u² एंड एच इज इक्वल टू 4u² बाय जी. ये इसका आंसर हो जाएगा. बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने इसे वैक्टर सॉल्व किया. तो हमने पहले कुछ क्वांटिटीज लिखी, फिर एक क्वेश्चन यूज करी थर्ड इक्वेशन मोशन, और इस तरीके से इसका आंसर आ गया. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, टेक्स 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड टू ट्रेवल सक्सेसिव क्वार्टर किलोमीटर्स. मतलब एक मोटरसाइकिल है हमारे पास, ठीक है, एक मोटरसाइकिल मान लेते हैं इसको, ये चला यहाँ से और इसने 10 सेकंड लिए किसी डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए. उसके बाद फर्दर लिया इसने टाइम 20 सेकंड लिए, फर्दर इसने कुछ कवर किया, वो इधर रखा इसने क्वार्टर किलोमीटर. क्वार्टर किलोमीटर मतलब कितना? क्वार्टर मतलब 250 मीटर हो गया. 250 मीटर ट्रैवल किया इसने यहाँ से यहाँ तक, फिर 250 मीटर ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक. इसने बोला हाउ मच फर्दर ही विल ट्रेवल बिफोर कम्स टू रेस्ट. तो इसके बाद ये कितना ट्रेवल करेगा कि ये रेस्ट पे आ जाए, मतलब ये रुक जाए. ठीक है, तो ये टाइम नहीं पता हमको, ये डिस्टेंस नहीं पता हमको. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब इस क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको वो बताता हूँ जो सबसे ईजी तरीका है. वो ये है कि इसको हम उल्टा देखें, उल्टा ऑब्जर्व करें. मतलब ऐसा कि इसके पास है रिटार्डेशन. मतलब क्या है इसका? कि इसकी स्पीड कम हो रही होगी. स्पीड जो है इसकी वो ऐसे जाओगे तो स्पीड कम होती रहेगी क्योंकि एक्सलेशन लग रहा है पीछे की तरफ. ठीक है, अगर इस मोशन को मैं उल्टा देखूं, मतलब मैं मोशन को यहाँ से ना देखते हुए ए बी सी डी से ना देखूं, इस तरफ ना देखूं, तो मोशन को अगर ऐसे देखूं इस तरफ, अगर इस तरफ रिटार्ड कर रहा है तो अगर इस तरफ से देखूंगा तो क्या करेगा? एक्सलेट करेगा. ठीक, तो हम मोशन को उल्टा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वी आर ऑब्जर्विंग दिस. तो क्या होगा? चलो भी निकालते हैं. सो अब इस पॉइंट से करेंगे तो यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, तो ये बन जाएगी इसकी इनिशियल स्टेट. इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? जीरो. ठीक है, और ये अब रिटार्ड नहीं करेगा, ये करेगा एक्सलेट. तो ए मान लेते हैं कुछ इसका एक्सलेशन. तो अब लगाते हैं, पहले लगाते हैं इसका सी से डी में. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू कितना है? यू इज सन्नाटा. एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टाइम पता नहीं टी स्क्वायर.
अब लगाते हैं डी से बी में, ठीक है, हमने लगाया था इसे डी से सी में, अब लगाते हैं डी से बी में, मतलब सीधा यहां से यहां, तो फिर से अब कितना हो जाएगा x प्लस 250, इसके लिए भी u जीरो होगा, स्टेट ये इनिशियल वाली इज इक्वल टू हाफ, टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम हो जाएगा t प्लस 20, क्योंकि 20 ऐड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू, ये आ गई क्वेश्चन नंबर टू। अब क्या होगा उसके बाद देखते हैं, अब लगाते हैं सीधा हम उसके बाद d से लेकर a तक, तो वो कितना आएगा, वो आएगा x प्लस, ये कितना हो जाएगा 500 इक्वल टू हाफ ए, फिर से टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, ये टी है, ये है 20, ये है 10, 20 समा 10 कितना 30, तो टी प्लस 30 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास ये सब इक्वेशन आ गई है और हम इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अगर हम करें यहाँ पे कि हम इक्वेशन टू में से माइनस कर दे 1, क्या बचेगा, ये बचेगा 250 इज इक्वल टू हाफ ए, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 40, 400 प्लस 40 टी माइनस टी स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 250 इज इक्वल टू ए बाय 2 इंटू 400 प्लस 40 टी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं करूं कि मैं इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दूं 2 में से, तो इसको माइनस कर दे इसमें से, तो ये बचेगा हमारे पास फिर से 250, एक्स तो कैंसिल हो गया, 250 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 400 माइनस 40 टी, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 250 इज इक्वल टू ए बाई 2 एंड दिस इज, ये ख़त्म हो जाएगा 500 प्लस 20, क्वेश्चन नंबर इसे मान लेते हैं 4, क्वेश्चन मान लेते हैं 5, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। फिर आप फर्दर अगर इन दोनों को सॉल्व करो, तो अगर हम इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 जो भी थी इक्वेशन, तो इन सब से सॉल्व करोगे आप, तो आपको यहाँ से जो टाइम मिल जाएगा वो मिल जाएगा लगभग 5 सेकेंड, और ए मिल जाएगा आपको 5/6, और जो डिस्टेंस है एक्स वो मिल जाएगा आपको करीब 125/12 मीटर, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको हिंट दे दिया इसका कैसे करना है इसको, तो इवन आप इन तीन इक्वेशन से अपने तरीके सॉल्व कर सकते हो जो आपको पसंद हो, मैंने सॉल्व किया, आप कुछ और भी कर सकते हो उसमें, सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस हमने इसको रिवर्स में देखा, क्योंकि रिवर्स में देखने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया वाला, सो होपफुली आप लोग क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, आ गया है इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, ये तो 4 हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या पूछा इसने, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 19.6, ठीक है जी, इस स्टोन को यहाँ से फेंका, इसकी स्पीड थी 19.6, ये गया, और उसके 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद एक और फेंका हमने, तो 2 सेकंड बाद हमने क्या किया, यहां से एक और फेंका 2 सेकंड, और उसको स्पीड दी हमने 9.8, क्या होगा, जब भी जाएगा ऊपर तो घूम के नीचे आएगा, पहले वाला ए और दूसरे वाला जाएगा, तो किसी हाइट पर जाके दोनों का हो जाएगा कोलिजन, सो वही निकालना है हमको कि दोनों का कोलिजन कहाँ होगा, ठीक है, बहुत इजी है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ पहले वाले के लिए वाई में, तो यू टी यू कितना है 19.86 टी हाफ ए, ए कितना है दोनों के लिए, ए दोनों के लिए माइनस जी है, हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरे के लिए लिखूँ एस टू, उसके लिए कितनी होगी, उसके लिए होगी 19.8, अच्छा टाइम कितना होगा, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी समय लगा है, तो इसको हमने फेंका है 2 सेकंड बाद, तो इसको टाइम कितना लगेगा, इसको लगेगा टी माइनस 2,
अब देखते हैं भाई जिस पॉइंट पे पहुंचेगा तो जो पहले वाले की डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड से वो ही है S1, जो दूसरे वाले की वो भी है S1 है। S1 क्या होता है, व्हाट इज दिस S, इज डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है। इसका मतलब जो हमने लिखा है यहाँ पे कि S1 और S2 नहीं होगा, ये दोनों सेम होंगे। अब क्या करते हैं, अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि दो इक्वेशन आ गई, हम दोनों क्या करना है, दोनों को हमको इक्वेट करना है, तो हम इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 19.60 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 9.80 माइनस 19.6 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा निकल के टाइम, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड कब है, ये 2 सेकेंड तब है निकल के जबकि हमने, ये 2 नहीं आएगा यहाँ से निकल के आएगा ये 4, ये 4 आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये वो इंस्टेंट है जब से हमने यहाँ निकाला है, जब से इसको पहले वाले को फेंका हमने। तो इसे सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा आके 4 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है, स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन इट्स लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। इसको नीचे गिराया गया किसी हाइट से, रेस्ट से, और बोला कि लास्ट सेकेंड में जितना, मान लेते हैं कि इसको टोटल टाइम टी लगा 5 सेकेंड 6 सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड में जितना ट्रेवल किया है इसने इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट 3 सेकेंड, दोनों सेम है। तो जो टी होगा, जो ये टी सेकेंड में करेगा, और जो टी एस करेगा ये 0 से लेकर 3 सेकेंड में, 0 to 3 सेकेंड, वो दोनों टाइम सेम होंगे। ठीक है जी, तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये कितना होता है टी सेकेंड का या एन सेकेंड का, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एन सेकेंड, किसी भी सेकेंड में निकालने के लिए। तो ये टी टाइम लग रहा है, मान लिया हमने लेट टी, तो मान लो 5 लगा, तो 5 में निकालना है हमको, टी पुट कर दिया इसमें, यू है 0, ए कितना है माइनस जी सबके लिए 2t-1, ये आ गई पहले की क्वेश्चन। अब देखते हैं 0 से 3 के लिए कितना होगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जनरल फॉर्मूला है, यू 0 है, ए कितना माइनस जी बाई 2, टी कितना है 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 9g/2। क्वेश्चन नंबर 2, अब दोनों टाइम बराबर है, तो एस टी सेकेंड इक्वल टू एस 0 to 3, ये क्वेश्चन में गिवन है हमको, तो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस जी बाय टू टू एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 9g/2। इस माइनस से ये गया, और ये जी बाय टू से इस जी बाय टू को आज़ादी मिल गई, ये मिल गया 2n-1 इक्वल टू 9, और n n नहीं दिस इज टी, इसको हमने टी मान रखा है इस टाइम को, तो जो ये टी मिला हमको ये टी हो जाएगा 5 सेकेंड। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं यहाँ से, तो ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली में इजी ही हैं, बस थोड़ी क्वेश्चन मोशन की नॉलेज है, जो आप लोग अगर कर सकते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ 3 पार्ट्स हैं, यहाँ से एक ग्रूव है, ग्रूव मतलब एक टनल सी है, होल है, पाइप है, यहाँ से एक बॉल को छोड़ा, तो बॉल एक बार ऐसे गई इससे, एक बार इससे गई, और एक बार इससे गई। हमको तीनों केस में टाइम निकालना है, टी ए टी वी टी सी बोल दिया इसको, और सबको कंपेयर करना है कि कितना कितना होगा। ठीक है, सो निकालते हैं इसको हम कितना होगा। तो इस टाइम को बोला इसने ये दिस इज टी बी एंड दिस इज टी सी एंड दिस इज टी डी, तो पहले देखते हैं बेसिक वाला, जब ये ऐसे आ रहा है बिल्कुल सीधा, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर डी तक। ठीक है जी, यू कितना है, यू है 0, एस मान लेते हैं डिस्टेंस है इसका, कुछ मान लेते हैं इसको, वैसे तो 2r होगा रेडियस के अकॉर्डिंग, मान लेते हैं डिस्टेंस h है। ठीक है जी, h हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल करें नीचे की तरफ है,
तो ये हो गया माइनस एच, ए कितना, ए हो गया माइनस जी, नीचे की तरफ लगता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस को पुट करते हैं, ऐसे हो गया माइनस एच इक्वल टू यू है शून्य माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी आ गया अंडर रूट टू एच बाई। ये तो टाइम हो गया सी वाले का, कि सी वाले टाइम कितना होगा। अब देखते हैं आगे, अब चलते हैं हम बी वाले का, सॉरी दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर सी, ये पॉइंट सी है। अब चलते हैं बी वाले की तरफ, बी वाला ये रहा, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता है कि ये हाइट h है और ये एंगल है अल्फा बाय टू, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दो कंपोनेंट होंगे इसके h के, ये हो जाएगा h cos अल्फा बाय टू और ये हो जाएगा h sin अल्फा बाय टू। तो हमने ये इससे हाइट निकाल ली, ये कितनी होगी इसकी, तो जानना है इसको यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाली ए बी ये निकाल ली हमने, ठीक है। अब देखते हैं जी लग रहा है यहाँ पे, तो अगर ये एंगल अल्फा बाय टू है तो ये भी कितना होगा अल्फा बाय टू। तो एक काम करते हैं, इस जी को ब्रेक करते हैं कि ये जी कितना होगा। तो अगर मैं जी को देखूँ तो इस तरफ आ जाएगा कंपोनेंट जी कॉस अल्फा बाय टू और इस तरफ आ जाएगा जी साइन अल्फा बाय टू। अब लगाते हैं इसके अलॉन्ग इक्वेशन ए से बी के अलॉन्ग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो एस ट्रेवल करेगा वो करेगा ट्रेवल एच कॉस अल्फा बाय टू, यू है जीरो, मैंने कोई साइन पुट नहीं किया यहाँ पे क्योंकि साइन नॉर्मली अगर तुम यहाँ माइनस कुछ पुट करोगे, यहाँ माइनस पुट करोगे तो कैंसिल ही जाता है एंगल के, तो ज़रूरत नहीं साइन पुट करने की, तुम कर भी सकते हो। तो हाफ जी कॉस अल्फा बाय टू टी स्क्, इससे यहाँ से हो गया कैंसिल ही, तो इससे टी फिर से आ गया, ये टी बी बोल देते हैं टू एच बाई जी, सेम आ गया बच्चों। सिमिलरली अगला देखते हैं, अगले में क्या हो जाएगा, अगले में ये फॉर्मूला फिर से बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा टी डी का, ये बन जाएगा 2h, अब ये एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा हमारे पास h cos अल्फा, और अगर ये g है तो ये आ जाएगा g cos अल्फा, तो इसके हम लगा देंगे तो ये आ जाएगा h cos अल्फा अपॉन g cos अल्फा, तो ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया रूट टू एच बाई जी। तो इनमें से किसी भी केस में अगर निकालोगे तो टाइम तीनों केस में सेम ही आ रहा है, क्योंकि जो कंपोनेंट s का आ रहा है वही कंपोनेंट a का आ रहा है, जिस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर a। अच्छा क्वेश्चन है, अब लोग क्लियर होगा, आगे चलते हैं। ए पार्टिकल मूव्स ओवर ए साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ l विद कांस्टेंट स्पीड v, इस ट्रायंगल पे मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड v से, हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, और उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या होगा a से लेकर c तक, ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो अब ये बताइए मुझे कि अगर ए से सी गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये होगा वो, तो कितना है ये एल, दिस इज इक्वल टू एल, और टाइम कितना, जितना लगा इसे ए बी जाने में और जितना लगा इसे बी सी जाने में, क्योंकि जा तो ऐसे रहा है, पहले ऊपर गया फिर इधर गया। अब टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है एल अपॉन स्पीड जो है वी, प्लस उसका भी एल स्पीड वी, तो एल बाय वी, तो ये सॉल्व कर लोगे ये निकल के आ जाएगा आपके पास वी बाय टू ऑप्शन बी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं इसमें एवरेज एक्सेलरेशन की, कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है जी। तो कितना होगा, ये होता है हमारे पास इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना लगा इसको, ठीक है। तो बात करते हैं, जब इस ट्रायंगल पे है ये, तो फाइनली ये बंदा जो भी बंदा बंदी जो भी हो वो मूव कर रहा है और वो सी पे आ गया, ए से जाता हुआ बी से, तो फिर इसके पास जो सी पे स्पीड, ए पे स्पीड कहाँ है, इसके पास ऊपर की तरफ है,
बी पे कहाँ है, बी पे इधर होगी, सी पे कहाँ होगी, सी पे इधर होगी, तो सी पे स्पीड ही आ गई, ये हो गया वी टू वैक्टर और ये हो गया वी वन वैक्टर जो ऊपर की तरफ है, सबकी वैल्यू सेम ही है क्योंकि स्पीड तो वी है, तो वी वन हो चाहे वी टू हो सबका मॉड जो है वो हमारे पास वी है। बस हमें निकालना क्या, हमें चाहिए, हमें चाहिए ये क्या, हमें चाहिए वी टू माइनस वी वन, इसे मैं ये बोल सकता हूँ वी टू प्लस माइनस वी वन। तो वेक्टर डिफरेंस से देखें अगर, तो दो वेक्टर एडिशन है, एक तो V2 का और एक माइनस V1 का, तो अगर ये V2 ये है तो माइनस V1 कहाँ होगा, ये ऊपर है तो माइनस V1 नीचे होगा, ठीक है कुछ ऐसे होगा। तो एंगल हमेशा होता है टेल के बीच में होता है, मतलब इसको अगर ड्रॉ कर दोगे आगे की तरफ तो एंगल होता है हमेशा टेल के बीच में, अगर ये एंगल इक्विलेटरल एंगल है 60, ये भी कितना 60, तो ये हो गया माइनस V1। अब बस अब कुछ नहीं, इजी हो गया, अब करना क्या, अब करना ये हमको कि हमको इसका मॉड निकालना है वी टू माइनस वी वन का। निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू कॉस, जितना भी एंगल हो कितना है वो 60। यहाँ कभी माइनस नहीं पुट करना है इसमें क्योंकि ये खाली मैग्नीट्यूड होता है और माइनस यहाँ डायरेक्शन है, तो सबकी वैल्यू सेम है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर कॉस 60 वन बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री वी। तो जो एवरेज एक्सलेशन है वो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी रूट थ्री वी, मैग्नीट्यूड निकालना खाली हमको, टाइम कितना है, टाइम तो वही है, गया तो ऐसे ही है, यहाँ से पहले यहाँ गया, यहाँ से पहले यहाँ गया, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम एल बाई वी प्लस एल बाई वी, तो टू एल, तो कितना आ जाएगा ये एवरेज एक्सलेशन इज इक्वल टू रूट थ्री वी स्क्वायर बाई टू, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो करेक्ट हो गया। सो नॉर्मली बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि एवरेज एक्सलेशन कैसे निकालें, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर है कि हमको दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, तो हमें करना क्या है, एक को रिवर्स कर देना है फिर एंगल नाप लेना है, और यहाँ पे हमें माइनस नहीं पुट करना, एंगल पुट करना है खाली, क्योंकि यहाँ पे वी वन वी टू होते हैं इसके मैग्नीट्यूड्स, माइनस नहीं होता कुछ भी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और हमारे लेक्चर का भी, इस लेक्चर का, तो आप लोग को अच्छे समझो, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे हमेशा पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सलेट, पार्टिकल ने स्टार्ट किया रेस्ट से, फिर उसने एक्सलेट किया, ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मूव किया, उसके बाद डी एक्सलेट किया 5 से वापस, और फाइनली कम टू रेस्ट, तो पहले इसने एक्सलेट किया और फिर इसने डी एक्सलेट किया, ठीक है जी, जब एक्सलेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और फिर गिर जाएगी, तो बड़ी और फिर गिर गई, ठीक है, इस टाइम को बोल दिया मैंने टी वन, वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए डी से, तो यू तो है 0, ए कितना है 5 टाइम है टी वन, तो ये होगी 5 टी वन। तो अगर बाई सिमेट्री देखें दोनों पीरियड में एक्सलेशन सेम है, तो ये टाइम भी इसके पास टी वन ही होगा, और टोटल टाइम दे रखा हमको ये 25 सेकेंड, तो जो बचा हुआ टाइम होगा ये वाला, ये हो जाएगा 25 माइनस 2 टी, क्योंकि पूरा 25 है, इस पीरियड में एक्सलेट कर रहा है, इस पीरियड में रिटार्ड कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, और यहाँ पर इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है 25 माइनस 2 टी1 तक, ठीक है जी। अब देखते हैं निकालना क्या हमको, ठीक है, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है एवरेज स्पीड दे रखी है, कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल लेते हैं, एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर कैसे बदलते हैं, 5/18, अभी मीटर पर सेकंड में आ गई, ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड होती कितनी है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने वी टी ग्राफ प्लॉट कर लिया था इसका, हम जानते हैं कि वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा हमको, ये वाला एरिया देकर निकाल लूँ मैं, तो मुझे एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, ये बन क्या रहा है, दिस इज ए ट्रेपीजियम, सो एरिया कितना 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ओ सी प्लस ए बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब कितना, जो ये 5 टी1, ये डिस्टेंस इनके बीच का, अपॉन टोटल टाइम जो कितना है 25, दिस इज एवरेज स्पीड जो हमें बीच दे रखी है।
मतलब कुछ नहीं करना, पुट करना है, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 50। OC है हमारे पास, OC कितना है 25, AB कितना है 25 माइनस 2T1, और ये कितना है 5T1 इज इक्वल टू 20। रेस्ट इज द सॉल्यूशन, बस सॉल्व करना है। 10 ये आ गया 200 इज इक्वल टू 50 माइनस 2T1 T1, सो ये मिल जाएगा हमको 50T1 माइनस में 2T1 स्क्वायर प्लस 200 इक्वल टू 0। दिस विल इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस 25T1 प्लस 100 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 20T1 माइनस 5T1 प्लस 100, T1 कॉमन निकाल लेते हैं, T1 माइनस 20 माइनस 5, दो उड़ाएंगे इसके, एक आएगा 5 और एक आएगा 20, ठीक है। ये दो पॉसिबल केसेस हैं टाइम पीरियड के, जो बेस्ट ऑप्शन है। तो T1 अगर 5 है तो ये कितना टाइम है, ये कितना हो जाएगा, ये है 25 माइनस 2T1, कितना आ गया 15 सेकेंड। तो बोल रहा है टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इज इट हैज़ मूव्ड विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज 15, ठीक आ रहा है। ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड इज 25 बोल रहा है, तो पुट कर देते हैं। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ये है 5T1, तो अगर मैक्सिमम स्पीड निकालूँ वी मैक्स तो है 5T1, T1 निकाला हमने 5 से, आ गया 25। ये वाला ऑप्शन नहीं रखा हमको तो उसको लेंगे ही नहीं हम, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो ये हो गया, मैक्सिमम स्पीड हो गई हमारे पास 20। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर लिए, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हो गए इसके अकॉर्डिंगली। ये कह रहा है कि टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज 25, की 25 से 25 तक वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगा, तो ये तो गलत बात है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए और बी सही है। सो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 1 के। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग।